तो फाइनली गाइस, हमारी जो रेंगलर है वो रेडी हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम ना अब इंशाल्लाह जो है ऑफ रोडिंग के लिए निकलेंगे। तो अगर आपको वीडियो ये वाली पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। और गाइस, मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि मैन्यू ट्रेनर पे जा के आपने इसकी स्पीड जो एडजस्ट करनी है ऑफ रोडिंग के लिए। मैं आपको ये सिखा देता हूँ। पेंट है, आपने सबसे नीचे जाना है आपने, और ये इसकी स्पीड है, इसको ना 40 कर देना है आपने। और गाइस, इसकी मैंने जो टॉप स्पीड है वो 45 रखी है, और जो है वो टॉर्क है वो 2.00। ये ऑफ रोडिंग के लिए मतलब बेहतरीन होती है स्पीड इसकी ना। तो चलें शुरू करते हैं ऑफ रोडिंग इसकी। तो गाइस, हमारा ऑफ रोडिंग ट्रैक जो है वो आ चुका है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी ऑफ रोडिंग और चेक करते हैं कि ये कितनी ताकतवर है। तो आपकी कोई पसंद की कोई ऑफ रोडिंग है, जीप वगैरह या कोई गाड़ी, वो आप कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह वो आपको लाकर दिखाएंगे और उसकी प्रॉपर जो है ऑफ रोडिंग करेंगे, या उसकी जो भी आप कहेंगे वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो गाइज, इसकी थोड़ी सी टॉर्क ज़्यादा है इसलिए ये ऐसे कर रही है, तो इसे थोड़ा सा कम करते हैं आप। तो गाइस, हमने इसकी टॉर्क का काम कर दिया, तो चलें शुरू करते हैं।
तो चलें गाइस शुरू करते हैं। गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसको रिपेयर करवाया दोबारा, तो चलें शुरू करते हैं जी ऑफ रोडिंग इसकी। काफ़ी पावरफुल है, अगर कुछ कमज़ोर हो तो फिर इसकी जो टॉर्क है ना वो आपने थोड़ी एक्सटेंड कर लेनी है, तो इसकी जो पावर है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। स्पीड आपने 45 के राउंड अबाउट ही रखनी है आपने, तो ये ऑफ रोडिंग में बड़ा मज़ा करेगी इंशाल्लाह। तो ये रेंगलर की ऑफ रोडिंग है, रेंगलर रुबिकॉन। तो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में बताएं। तो आपकी कोई ऑफ रोडिंग कोई फेवरेट जीप वगैरह हो तो वो भी हम इंशाल्लाह लेके आएंगे। तो चलें शुरू करेंगे। गाइस अल्लाफिज़, जो हमारी ऑफ रोडिंग है वो यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। तो नीचे कमेंट करें अगर आपकी कोई फेवरेट जीप वगैरह, तो इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। चलें ठीक है गाइस अल्लाफिज़।